अब देखो शास्त्रों में तो कुमारी शब्द दिया है, लेकिन वे कुमारी होती नहीं है, वो देवों की देवियां हैं। ऋषकवर द्वीप में रहने वाले जो व्यंतर और भवनवासी देव होते हैं उनकी देवियां कहलाती हैं, कुमारियां उनका इसलिए देख कुमार और कुमारी। भवनवासियों में असुर कुमार, विद्युत कुमार आदि देव होते हैं। कुमार और कुमारी का अर्थ है कि उनकी जो अवस्था होती है वो कुमारियों जैसी होती है, किशोर अवस्था, प्रौढ़ नहीं होती। जीवन भर वो किशोर अवस्था के समान उनका जीव शरीर होता है, इसलिए उनको कुमारी बोलते हैं। कुमारी का अर्थ अविवाहित नहीं, इसलिए ऐसे आगम से मैं तो कोई नहीं लिखा कि कुमारी कन्याएं ही अष्टकुमारी बनना चाहिए, लेकिन वर्तमान में ये परंपरा कुमारियों की चल रही है, चलने दो, अच्छा है जैसे चल रहा है।